हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, विज हिंसम पोर्ट ऑन मेरीटाइम मैप विथ बर्थिंग द फर्स्ट शिप। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पोर्ट है कहाँ पर हमारे लिए। तो चलिए इस पोर्ट का पहले लोकेशन चेक करते हैं। देखिए, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, केरला में हम लोग जाते हैं। देखिए, ये बॉर्डर आ गया आपका केरला का, करेला जैसा ये बॉर्डर है केरला का, ठीक है। आप देखिए, मैंगलुरु के नीचे में से स्टार्ट हो रहा है, कोझीकोड़े, कोची, ये सारा आपका केरला है। अगर मैं और जूम इन करूं, ये आपको बॉर्डर दिख रहा है केरला का, ये पूरा केरला है। इसके साउथ में आप देखिए, मतलब केरला के साउथ में है, आप देखिए विज हिंसम पोर्ट, ये रहा आपका पोर्ट। देखिए, विज हिंसम पोर्ट हो गया, विज हिंसम सी पोर्ट ओल्ड हो गया, विज हिंसम इंटरनेशनल सी पोर्ट हो गया, यहाँ पे विज हिंसम बीच हो गया, विज हिंसम इंटरनेशनल यहाँ पे है कुछ, आप देखिए। तो ये हमारे लिए जगह ठीक है, केरला के साउथ में, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पे रॉक कट केव टेम्पल्स भी हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए, ये पूरा एरिया, मतलब ये जो बे बना हुआ है अपना, लगून लेक टाइप, लगून लेक खैर छोटा होता है, ये पूरा बे बना हुआ है, ये अपना जो बे है, ये विज हिंसम इंटरनेशनल पोर्ट है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये है कहाँ पर, आप देखिए, ये है अपना केरला में, केरला के साउथ में, यहाँ पे केरला का बॉर्डर भी खत्म हो रहा है। तो ये हमने लोकेशन देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। विथ जस्ट टू शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ फेंट सीरेन साइरन जेन हुआ 15 द फर्स्ट शिप टू कॉल एट द विन विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। तो आपने देखा, विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट नीचे में था। स्क्रिप्टेड एट अ न्यू चैप्टर इन अ मेरीटाइम हिस्ट्री ऑफ केरला ऑन संडे, ठीक है। यहाँ पे ये फेंट साइरन जैन हुआ 15, इसका नाम भी हमें याद रखना है। अराउजिंग रिसेप्शन वॉज अकॉर्डेड एज द वेसल कैरिंग कंटेनर हैंडलिंग क्रेन्स टू द अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट बर्थेड इन द प्रेजेंस ऑफ द होस्ट ऑफ डिग्निटरीज एंड 5,000 ऑड क्राउड। तो उतने क्राउड के बीच में ये चीजें हुई हैं। आफ्टर फ्लैगिंग ऑफ द बर्थिंग चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन सेड नथिंग वॉज इम्पॉसिबल फॉर केरला, ठीक है, नथिंग वॉज इम्पॉसिबल फॉर केरला। द कॉल ऑफ द फर्स्ट शिप एट द पोर्ट वंस अगेन प्रूव दैट एनी क्राइसिस नो मैटर हाउ बिग कैन बी ओवरकम थ्रू यूनिटी। द न्यू पोर्ट इज लाइकली टू ब्रिंग इन डेवलपमेंट बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। दिस पोर्ट विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ केरला टू दैट ऑफ द मिडल इनकम अर्नर इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ही सेड। द पोर्ट वुड बी वन ऑफ द स्टेट्स मेजर कंट्रीब्यूशंस टू अ नेशन। तो स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन नेशन के टुवर्ड्स है, वो बोला जा रहा है कि पोर्ट एक मेजर पार्ट होगा। हाउएवर देर वर अटेम्प्ट बाई इंटरनेशनल लॉबीज टू थ्रॉट द प्रोग्रेस ऑफ द पोर्ट, ही एडेड, कि इंटरनेशनल लॉबीज इसको रोकना चाह रहे थे पर रोक नहीं पाए। दीज लॉबीज वर एक्टिव इन केरला ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्ट। इन एडिशन सर्टेन कमर्शियल लॉबीज वर नॉट कीन ऑन सच मदर पोर्ट बिकमिंग अ रियलिटी एट विज हिंजम। विथ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन जस्ट 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग रूट कनेक्टिविटी यूरोप द पर्शियन गल्फ एंड द फार ईस्ट विज हिंजम विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन केरला। तो ये केरला का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बन जाएगा एंड विल बी अ ह्यूज रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट, सेड करण अडानी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द अडानी पोर्ट्स एंड एससीजेड लिमिटेड। इन एडिशन टू ब्रिंग द फर्स्ट एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विज हिंसम विल ऑल्सो मेक हिस्ट्री एज द फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनल्स इन इंडिया। इट विल बी अ ग्लोबल बंकरिंग हब सप्लाइंग क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड अमोनिया, सेड मिस्टर अडानी। तो अडानी उनके बेटे हैं, ये जिनकी बात हो रही है करण अडानी, ये गौतम अडानी जी के बेटे हैं। ऑल्सो
Wissenthum would be one of the greenest port in the world, a fitting complement to a natural beauty of environment conscious Kerala. तो environment conscious Kerala के लिए ये beauty होगी. We are humbled by the opportunity to leverage our expertise to transform Wissenthum, which has been potential to compete with the leading ports like Colombo, Singapore and Jebel Ali, said Mr. Adani. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, Wissenthum पोर्ट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. सबसे पहली बात कहाँ है, केरला में है. किसका है, अडानी का है, मतलब प्राइवेट है. थर्ड, साउथ ऑफ केरला में है, ठीक है. फोर्थ, आप देखिए जो अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड है उसके आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ कौन है, करण अडानी. ये गौतम अडानी के बेटे हैं. ये 10 नॉटिकल माइल फ्रॉम इंटरनेशनल, आप देखिए कहाँ पर है, इंटरनेशनल शिपिंग रूट, शिपिंग रूट में है, ठीक है. फिफ्थ, आप देखिए क्या बोला जा रहा है, ग्लोबल बंकरिंग हब बनाया जाएगा इसको, ग्लोबल बंकरिंग हब बनाया जाएगा. किस लिए, ग्रीन एनर्जी फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन अमोनिया के सप्लाई के लिए, ठीक है. और ग्रीनेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड है, ग्रीनेस्ट पोर्ट अदर वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, इंडिया लेवल की नहीं, ठीक है. किसके साथ इसको कम्पीट करना है, कोलंबो, सिंगापुर, जेबल अली, इसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है कि वो उन लोग को करेगा, ठीक है. और केरला का बिगेस्ट ये आपका पोर्ट है, देखिए प्राइवेट पोर्ट ऑफ द केरला, लार्जेस्ट, तो मैं यहाँ लिख लूँ लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट एट केरला है आपका ये, ठीक है. नथिंग वॉज इम्पॉसिबल फॉर केरला, इन्होंने साफ बोला, बोल रहे हैं यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, सेवन में एक लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करेगा लोगों की, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनल इन इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए, फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर कहाँ पे, इंडिया में, तो ये इंडिया का फर्स्ट है, तो ये किसका स्पेशल फीचर हो गया हमारे लिए, ठीक है. बस इस आर्टिकल में ये पोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, उसका लोकेशन हमने देख लिया कहाँ पर है, साउथ में, ठीक है. ये साउथ में इसका लोकेशन हमने देख लिया और ये उसके कुछ फीचर्स देख लिए हमने, किस तरह के आपका ये मर्ज एज द लार्जेस्ट प्राइवेट, ये वाला पार्ट कवर कर लिया हमने, ठीक है. फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनल हमने देख लिया, ये हाइड्रोजन, ये बंकरिंग, ग्लोबल बंकरिंग हब बनाएंगे, इनसे कम्पीट करेंगे, 10 नॉटिकल माइल्स, इसके सारे फीचर्स हमने देख लिया. सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. और हाँ, अडानी पोर्ट्स खरीद लो, बढ़ जाएगा. थैंक यू.